कंगना रनौत हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और अब हाल फिलहाल में उनकी फिल्म इमरजेंसी आने वाली है, तो इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने फिल्मी पार्टियों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद जो है फिल्मी लोग, फिल्मी कलाकार जो हैं, फिल्मी सितारे जो हैं, वो बौखला जाएंगे और एक बार फिर कंगना के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे भी कंगना को बॉलीवुड में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, लेकिन कंगना जो है बाज कहाँ आने वाली है। कंगना ने एक बार फिर से बॉलीवुड में होने वाली पार्टियों के बारे में जो है वो खुलासा किया, शॉकिंग खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जितनी भी पार्टियां हो रही थी उसमें ड्रग वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन कंगना रनौत ने कहा कि ये सेलिब्रिटीज़ टिड्डों की तरह होते हैं, जब इनके पास कोई फिल्में नहीं होती तो ये टिड्डों की तरह बिहेव करते हैं, टिड्डों की तरह इनका रूटीन होता है। सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दोपहर में सोते हैं, फिर शाम को उठते हैं, जिम जाते हैं और उसके बाद वो आके सो जाते हैं या फिर पार्टियां करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता, उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने घमंड में ही चूर रहते हैं। कंगना रनौत ने बॉलीवुड में होने वाली पार्टियों का भी जिक्र किया। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में जो भी पार्टियां होती हैं वो एक अलग ही लेवल की होती है, वहाँ पर डिस्कशन के नाम पर कपड़ों के बारे में चर्चाएँ चल रही होती हैं, एसेसरीज के बारे में चर्चाएँ चल रही होती हैं, कौन लड़की कितनी खूबसूरत है, कौन सी नई एक्ट्रेस जो है वो कैसी दिखती है, इन बातों पर ज़्यादा फोकस होता है। उन्हें देश से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अलग ही टाइप के इंसान होते हैं, उनकी परवरिश अलग तरह की होती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। प्रोटीन शेक पीते हैं, ड्रग लेते हैं और अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। वो समाज के लिए नहीं बल्कि चाहते हैं कि सिर्फ लोग जो है उनकी फिल्में देखें, उनकी तारीफ करें, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज के लिए जीना क्या होता है ये वो जानते ही नहीं। इस पर किसी ने जब सवाल किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, तो उन्होंने उल्टा उस शख्स को ही डपट दिया। उन्होंने कहा कि तुम से ज़्यादा बॉलीवुड में मैं रही हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो भले ही बाहर निकलने के बाद अपने आप को ज़्यादा सिंसियर प्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेकिन वो अंदर से एक जैसे ही होते हैं। सबकी अंतरात्मा एक ही होती है, सबके विचार एक ही होते हैं, सबका सोचने का ढंग एक जैसा ही होता है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। हर एक्टर दूसरे एक्टर को खाने की सोचता है, हर एक्टर दूसरे एक्टर का काम जो है वो छीनने की कोशिश में रहता है, और यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की बाहर लोगों के सामने की कोशिश की जाती है। ये इसलिए क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर टिकना है तो लोगों के सामने तो अच्छा बने रहना है। हालांकि कभी भी कोई भी एक्टर आम इंसान के लिए कुछ नहीं करता, आप सबने देखा भी होगा। कंगना रनौत जो है एक ऐसा नाम है जो विवादित नाम कह सकते हैं, हमेशा कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दे देती हैं जिसके बाद जो है बॉलीवुड सहित लोगों के मन में भी कई सवाल उठ जाते हैं। अब कंगना रनौत के ये बयान ही देख लीजिए, कंगना रनौत ने कितनी बेबाकी के साथ इस बयान को दे दिया। अगर कोई दूसरा होता, कोई दूसरा एक्टर होता, कोई दूसरा पॉलिटिशियन होता तो वो इस बयान को बड़े ही ढके छुपे लहजे में कहता, लेकिन कंगना की यही खासियत भी है। अगर ये उनका अवगुण है तो ये गुण भी है कि कंगना जो है किसी से डरती नहीं है, बेबाक अंदाज में अपनी बात को जो है वो सामने रख देती है, फिर चाहे किसी को मिर्ची लगे या कुछ भी हो जाए। तो कंगना का ये अंदाज किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइएगा, और क्या आप सबको लगता है कि वाकई में बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो टिड्डों की तरह ही होते हैं? कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा।